औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में राशन माफियाओं की मनमानी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ताजा मामला पीथमपुर के ग्राम सागौर का सामने आया है। सागौर वार्ड क्रमांक 21 में स्थित उचित मूल्य की शासकीय राशन दुकान पर बुजुर्ग महिलाओं की लंबी कतार देखी जा सकती है। बुजुर्ग महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि राशन दुकान पर हमें पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं मिलता है और दुकान भी अपने सही समय पर नहीं खुलती है। सुबह से शाम तक लंबी कतार में लगे रहते हैं और बिना राशन लिए ही घर वापस लौटना पड़ता है। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में कई राशन की दुकानें हैं जहाँ पर गरीब श्रमिक वर्ग इन दुकानदारों के मनमानी के चलते परेशान हो रहे हैं। संबंधित विभाग इन पर कोई कार्यवाही नहीं करता है। अमूमन राशन की दुकानें नेताओं के संरक्षण में चल रही है। जब सैया भय कोतवाली तो डर काहे का। खबर प्रकाशित होने के बाद संबंधित अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं देखने वाली बात होगी। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। तो मिले ही ऐसी भीड़ के कारण ले नहीं गई। और इस महीने भी इस महीने बैठी हुई हूँ, सुबह से शाम हो गई, अभी भी घर ही जाऊंगी बैठ के, लगता है। कितना दिन में तुम्हारा राशन मिली? फिर भी राशन नहीं मिलो? और तुम्हारा अंगूठा लगाने के बाद भी राशन नहीं दियो? कई नाम तुम्हारा? भाई ये कौन सा वार्ड की है? यहाँ राशन शासकीय राशन की दुकान रोड इक्कीस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।